Hey guys, welcome back to my channel and a very very happy Diwali to all of you guys. And हम जानते हैं कि हम काफ़ी दिन से YouTube नहीं कर रहे हैं, हमें काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं Instagram में कि आप कहाँ गायब हो गए हो. सो गाइज, इतना बिजी थे दिवाली की तैयारी में. देखो ये हमारे भाई ने मंगवाया है Amazon से. इसे कैसे मंगवाना है, कैसे स्टिक करना है, अगर आप चाहो तो इसका हम एक अलग वीडियो बना के दिखा सकते हैं आपको. तो आज दिवाली है गाइस, आज आपसे शेयर करने वाले हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं आज दिवाली में. बहुत ज़्यादा काम है हमारा, बट स्टिल हमने सोचा कि एक यूट्यूब वीडियो, एक ब्लॉग तो बनाना बनता है बॉस दिवाली के ख़ास मौके पे, तो बने रहिए. तो गाइस आप देख सकते हो हमने नहा लिया है, फ्रेश हो चुके हैं, अब चले अपने शॉपिंग की तरफ. तो स्टे ट्यून्ड गाइस. एंड बाय द वे, ये वाला जो स्टिकर, ये बहुत अच्छा है. एक मिनट, लेट मी शो यू. पता ही होगा इस बार दिवाली जैसी लग ही नहीं रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि रेनी सीजन में आया है दिवाली. सो इतने दिन से शॉपिंग पूरा कंप्लीट करते हुए भी आज बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई है शॉपिंग करने के लिए. तो अभी हम जा रहे हैं कुछ जो बची कुछ चीज़ें उसे शॉपिंग करके आएंगे और फिर मिलते हैं आपसे शॉपिंग करने के बाद. हम ज़रूर दिखाएंगे कि हम कैसे क्या शॉपिंग कर रहे हैं. तो मिलते हैं शॉपिंग करने के बाद गाइस. दिवाली के दिन में गौशाला जाता है गौ माँ को पूरी और हलवा खिलाने के लिए. इट्स नॉट पूरी सब्जी, पूरी हलवा, ठीक है. हम आपको पूरी हलवा खिलाने के लिए हम भी जाना चाहते थे, लेकिन हम बहुत टायर्ड हैं, प्लस घर का काम बहुत ज़्यादा बाकी है. हमें डिनर वगैरह अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा सो दैट ट्रैवल हम इन्जॉय कर सके पूजा करने के बाद. सुपर, बताओ आर यू टायर्ड? टायर्ड तो बहुत है, बढ़ती वाली है तो करना तो पड़ेगा. और तुम अभी क्या कर रहे हो वैसे? ये रेस्ट कर रहे हो? हमारी मम्मी तो बहुत ज़्यादा बिजी है. सो गाइस, प्लान तो नहीं था हमारा जाने का गौशाला, बट एंड मोमेंट प्लान चेंजेस यू नो. सो हम भी जा रहे हैं हमारे पापा एंड हमारे भाई के साथ में गौशाला. सो यहाँ पे ऐसा गार्डन टाइप बनाया गया है गायों के लिए. एंड वी आर एंट्रिंग द गौशाला. सो यहाँ पे आप देख सकते हो समवट अराउंड 200 गाय हैं. काफ़ी डर लग रहा था हमें उनके सिंग वगैरह देख करके, बट स्टिल नो वरीज. सो ये जो अंकल है ये बहुत हेल्प कर रहे थे हमें गायों को खाना खिलाने के लिए. सो बारी बारी करके हमने सबको खिलाया इस तरीके से. एंड इट वॉज सो नाइस, ऐसा लग रहा था कि सब क्यू में खड़े हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था. आई वॉज टू स्केयर, तो हमने हमारे पापा को ये बोला कि लाइक डू द ऑनर. सो हमारे पापा हमारा भाई खिला रहे हैं गायों को. द इंटरेस्टिंग थिंग यू नो, यहाँ पे हर एक जो गाय हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम है, एंड आप उनको उस नाम से अगर बुलाते हो तो वो सुनते भी हैं लाइक ह्यूमंस. उन्हें भी पता है कि उनका नाम क्या है. सो वॉज वेरी नाइस, 200 गाय यू नो. सो लास्ट में हमने सोचा कि हम भी कुछ खिला देते हैं, तो हमने भी थोड़ा बहुत खिला दिया था. ये 3 दिन का बछड़ा है हमारे भाई ने, जहाँ से अब खेलने के लिए बेचारा डर कर भाग गया है. सो यस, ये है दलिया. दलिया का ढोकला टाइप बनाया जाता है एंड ये हर दिन गायों को खिलाया जाता है. ये दलिया का ढोकला केक टाइप. सो फाइनली हमें ये बछड़ा वापस से मिल गया एंड हम इसके साथ खेल रहे हैं हम और हमारा भाई. सो वहाँ से फाइनली अभी टाइम हो गया लौटने का, तो हम रिटर्न. और आप देख सकते हो कितनी अच्छी गार्डनिंग की गई है. सो फाइनली नाउ इट्स टाइम टू कुक. तो हमने यहाँ पे कैप्सिकम, बीन्स, फुल गोभी, गाजर, अदरक और मिर्च लिया हुआ है. तो हम क्या बनाने वाले हैं आपको एट द एंड बनाएंगे. तो पहले हम 4 टमाटर को चॉप करके ब्लेंड कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे अदरक और मिर्च और इसका हम
एक अच्छा सा प्यूरी बनाएंगे। तो बेसिकली हम लहसुन प्याज के बिना खाना बनाने वाले, तो एक प्यूरी हो गया, ये पहला प्यूरी है। दूसरा प्यूरी के लिए हमने काजू को मिल्क में सोक करके रख दिया था समवट अराउंड आधे घंटे के लिए, भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हमने कढ़ाई गरम कर लिया है, गरम होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, फिर इसमें हम ऐड करेंगे एक चुटकी हींग, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर जो टमाटर वाला प्यूरी हमने बनाया था ये जब अच्छे से भुन जाएगा तो उस प्यूरी को हम डाल देंगे और अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि अच्छे से पक के कुछ इस तरीके से ना हो जाए। अब देख सकते हो समवट लाइक दिस ये हो जाएगा। तो फिर सारे सब्जियों को इसमें डाल देंगे और कैप्सिकम को 5 मिनट के बाद डालेंगे। तो यस 5 मिनट के बाद में हमने कैप्सिकम भी डाल दिया था और इसमें अब धीमे आंच में छोड़ देंगे ताकि जब तक वो सब्ज़ी सॉफ्ट ना हो जाए। फिर हम उसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और गरम मसाला। तो सॉल्ट और गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है ये सॉफ्टन होने के बाद में। अब इसमें हम काजू वाला जो प्यूरी हमने बनाया था उसको ऐड करेंगे और पनीर के कुछ क्यूब्स ऐड करेंगे। अब चाहो तो मिर्ची पाउडर अलग से ऐड कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर सकते हो और फिर ये जब हो जाए तो एट द एंड आपको इसे अच्छे से पका लेना है गाइस। आप उसके बाद में एट द एंड हम धनिया पत्ता से अच्छे से गार्निश कर लेंगे। तो ये हमारा नवरत्न कोरमा तैयार है। फाइनली अब हम पूजा करेंगे, तो पूजा करते वक्त हमें वीडियो बनाने का टाइम हुआ नहीं तो हम आपको दिखा दे रहे हैं ग्लिम्प्स हमने जो भी पूजा किया था हमारे फैमिली ने। यहाँ पे नवग्रह और षोड़स माता की पूजा की गई है, दीप जलाया था और लक्ष्मी माँ और गणपति जी की पूजा कर ली थी। फाइनली हमारी मम्मी दिया निकाल रही हैं घर के बाहर, शुभ मुहूर्त में पूजा करने के बाद घर के बाहर दिया निकाल रहे हैं हम लोग, हम हर हमारी मम्मी। सी माई ब्यूटिफुल मॉम। सारा उन्होंने ही सजाया था तो हमने सोचा कि लास्ट मौका हम क्यों छोड़े, तो हमने फेंक दिया, मम्मी से लेके जला दिया। कितना शूट करते रहेंगे बताओ, हमें भी तो कुछ करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए राइट मम्मी की, तो एक दिया ही सही। सो हाँ, आज के दिन हम लोग काजल बनाते, तो वो काजल बनाने के लिए एक सरसों के तेल में दिया जला के ऐसे ढक देते हैं, नेक्स्ट डे उसका काजल बन जाता है या रात के 12 बजे तक काजल बन जाता है और हम इसे लगाते हैं। आई एम सॉरी उसका फुटेज नहीं है। तो हमने बनाया था नवरत्न कोरमा, खा रहे हैं। ये है हमारा और हमारे भाई का दिवाली लुक, हमारा भाई भी खा रहा है, मज़े ले रहा है नवरत्न कोरमा के पूरी के साथ। और हमने पहना है साड़ी, मम्मी ने खीर बनाया था पूरी खीर और हमने नवरत्न कोरमा बनाया था। और ये खाना दिवाली का, सो हैव अ बाइट एंजॉय। सो ऐसा कुछ दिखता है हमारे बालकनी से हमारा घर दिवाली के रात में, सब कोई सो चुके हैं एंड आई एम एंजॉयिंग द लाइट। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और हाँ, हमारा बालकनी से ऐसा दिखता है हमारा रंगोली। गाइस हमने तो अपने पूरे घर का रंगोली का पिक दिखाया ही नहीं आपको, जस्ट अ सेकेंड। सो ये था हमारा रंगोली जो हमने बनाया था, बड़ी मेहनत लगी थी गाइस, 1 से 1.5 घंटा लग गया था हमें। और ये हमारा घर जो दिवाली की रात में कुछ इस तरीके से दिख रहा था। सो आई होप आप लोगों को रंगोली और हमारे घर का डेकोरेशन अच्छा लगा हो। हे फ्रेंड्स, सो अभी रात के 1 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 1 बज रहे हैं, 28 अक्टूबर 1 AM एंड आई एम कम्प्लीटली टायर्ड। हम पूरे टायर्ड हो चुके हैं, ज़रा सा भी एनर्जी नहीं बचा है। सो अब
हमने देखा कि हम दिन भर कितने बिजी थे, फिर भी हमने एक ब्लॉग बनाने की कोशिश की है, हमने शेयर किया है कि हम क्या करते हैं दिवाली के दिन जनरली। तो उसमें से कुछ चीज़ें भी हमने काट दी है, समरी दिखाया है हमने आपको। तो आई होप आपको हमारा ये वाला आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एंड तक देख ही लिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। हमारे बात करने के स्टाइल्स और हमें देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम कितने ज़्यादा टायर्ड हैं। सो आज एकदम भी पेशेंस नहीं है। ये वाला वीडियो आई गेस कल अपलोड होगा या फिर परसों, यानी कि आइदर 28th या फिर 29th तक ये अपलोड होगा। तो काइंडली बेयर विद दैट एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन गाइस। लव यू लॉट्स। बाय। गुड नाइट।